मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमते थे वो लिए सत्य की सोटी। वैसे तो दिखने में लगती थी हस्ती उनकी छोटी, लेकिन उन्हें झुकती थी हिमालय की भी चोटी। नमस्कार, महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, हम उन्हें कई नामों से बुला सकते हैं, लेकिन गांधी इन सबसे परे एक विचार है। देश और दुनिया उनके जीवन के संघर्ष से परिचित है। चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई अनेक आंदोलनों को उन्होंने जगह जगह फैलाया और भारत की आजादी के लिए सत्य अहिंसा के साथ लड़े, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, इंटेग्रिटी के साथ और सेवा समर्पण देशभक्ति के साथ। एक लाठी वाले ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का इतिहास बदल डाला। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि गांधी जी की अहिंसात्मक विरोध की रणनीतियों से गहरे प्रभावित थे, उन्होंने अपने सिविल राइट्स मूवमेंट में गांधीवादी सिद्धांतों का भरपूर उपयोग किया। वे कहते थे कि गांधी जी मेरे लिए आदर्श और भारत मेरे लिए तीर्थ समान है। तब नेल्सन मंडेला ने भी गांधी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर अपार्टहाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे कहते थे कि गांधी जी का इक्वालिटी और जस्टिस के प्रति कमिटमेंट उनके लिए उनका सबसे बड़ा रोल मॉडल है। और इसी तरह अगर आज भी मोहनदास के महात्म्य विचारों को कोई अपने जीवन में श्रेष्ठ रूप से अपना रहा है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज के इस युग में हाउ टू इम्प्रेस नहीं बल्कि हाउ टू इंस्पायर के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी का सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का था। गांधी जी समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए फैसला लेने की बात करते थे। उनके यही सिद्धांत आज मानवता की रक्षा के लिए मार्गदर्शक है, क्योंकि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का प्रवाह बना रहेगा तब तक उनकी प्रेरणा और प्रासंगिकता हमारे बीच बनी रहेगी। जब हम गांधीयन फिलोसॉफी की बात करें तो गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक व्यापक जन आंदोलन बनाया था और 21वीं सदी के विश्व के लिए ये एक अनूठी प्रेरणा है, इंक्लूसिव ग्रोथ। गांधी जी के यही सिद्धांत आज की इस विभाजनकारी दुनिया में करुणा और सेवा से दूरियां मिटा सकते हैं। तब क्लाइमेट चेंज से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक पूज्य बापू के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। हम सबको पता है कि G20 समिट के दौरान दुनिया के नेताओं ने एक साथ मिलकर राजघाट पर पूज्य बापू को श्रद्धांजलि अर्पण की। तब वसुधैव कुटुंबकम का यही संदेश पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखा रहा है। जब हम गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करें तो यह कहना उचित होगा कि गांधी जी ने लोगों की आंतरिक शक्तियों को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया था। और आज इसी तरह भारत पीपल्स पार्टिसिपेशन को सर्वोपरि रखकर डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, स्वच्छ भारत, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन जैसे कई अनेक अभियानों में आत्मनिर्भरता से कार्यरत है। तब मैं यह मानता हूं कि गांधी जी के मॉरल्स, एथिक्स और वैल्यूज तब भी रिलेवेंट थे, आज भी रिलेवेंट है और हमेशा रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि वो ना सोना थे, ना चांदी थे, ना तूफान थे, ना आंधी थे, बिना एक चाटा मारे देश वापस ले लिया भारत के वो सूरज महात्मा गांधी थे। तब अंत में सत्य अहिंसा के पुजारी, करुणा की जलधार है बापू, सदा उनकी कीर्ति शेष है, हर युग का दर्पण है बापू। इन्हें विचारों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।